कोई वाली बात नहीं, इधर भी जाते हैं। आप पहली बार मैनपुरी में आए हैं, समाजवादी पार्टी के बहुत सारे विधायक हैं, कौन कौन से विधायक हैं जो आपके साथ आ रहे हैं और आपके परिवार के लोग हैं, जितने बहन जी हैं, प्रताप जी हैं, ये मैं कहा है कि आपके साथ आ रहे हैं। देखिए, हमने समाजवादी सेक्युलर मोर्चा बनाया है और ये समाजवादी सेक्युलर मोर्चा नेता जी का आशीर्वाद लिया है और आशीर्वाद के बाद ही बना है उनकी राय से। तो अब आप तो जानते हो और सुन चुके हो कि हम उत्तर प्रदेश की 80 सीटों पर समाजवादी सेक्युलर मोर्चा है और जितने भी लोग उत्तर प्रदेश समान विचारधारा के लोग और समान विचारधारा वाले दल उनसे बातचीत कर रहे हैं और बात करने के बाद जैसा कि आपने माननीय नेताजी को मोर्चे के अध्यक्ष का अध्यक्ष बनने के लिए प्रस्ताव दिया, तो नेताजी की तरफ से कोई इशारा मिला आपको अभी तक? अब मिलेंगे यहाँ जाने के बाद। कल मायावती जी ने कहा है कि सब सम्मान के साथ अगर कोई दूसरा दल हमारे साथ गठबंधन करता है तो हम उसके साथ गठबंधन करने को तैयार हैं। आपका क्या कहना है कि महागठबंधन महागठबंधन का? हाँ, थोड़ा सा पढ़ा। महागठबंधन खत्म होने के बाद गठबंधन की दोबारा से कायासन जो जारी चालू हुई है उस पर क्या कहना चाहते हैं? देखिए, मैंने बहुत इंतजार के बाद और मैंने प्रयास भी किया था कि सब लोग एक रहें और अगर गठबंधन बढ़ रहा था तो मुझसे भी बात करना चाहिए, तो हमसे बात करी नहीं किसी ने। तो जब किसी ने बात नहीं करी है तो हमने अपना समाजवादी बना दिया। आपके मोर्चे का असर कल मायावती की पीसी में देखने को मिला। मायावती ने कहा कि हमको सम्मानजनक सीटें मिलेंगी तो हम गठबंधन बनाएंगे, तो अगर मायावती सपा से गठबंधन नहीं करती है तो क्या आप मायावती से गठबंधन करेंगे? देखिए, मैंने जो कहा कि समान विचारधारा के जितने भी दल हैं उनसे सबसे हम बात करेंगे और बात करने के बाद जो हमारे साथ बात करेगा और उसके लिए हमारे सभी दरवाजे खुले हैं और आए। अमर जी 2019 में चुनाव कौन लड़ने की तैयारी है इसमें? देखिए, मैंने समाजवादी सेक्युलर मोर्चा की तरफ से नेताजी को प्रत्याशी घोषित कर दिया था, वो हमारे समाजवादी सेक्युलर मोर्चा से चुनाव लड़े और अगर समाजवादी सेक्युलर मोर्चा से नहीं लड़ते हैं तो कहीं से भी चुनाव लड़ेंगे तो हमारे समाजवादी सेक्युलर मोर्चा का नेताजी को। अच्छा, 2019 में विरोधी पार्टियों का कहना है कि 2019 में आपकी कहीं पार्टी एक साथ ना हो या सेकुलर मोर्चा आपका खत्म हो जाए, कहीं एक साथ ना आप होते हुए 2019 में दिखाई दे। ये तो जनता है, देख रहे हो जनता। सेकुलर मोर्चा, मैंने तो किसी को कहा नहीं था और हमारे कार्यक्रम परसों का भी देख लिया होगा, कल का फैजाबाद देख लिया होगा। हम बस इतना जानते हैं कि उत्तर प्रदेश की जनता इतने हमारे साथ है कि केंद्र में जो भी सरकार बने बिना समाजवादी सेक्युलर मोर्चा के नहीं बने। अमर सिंह लगातार समाजवादी पार्टी को बाह्यम पार्टी, बीजेपी के लिए हिंदुत्व का नारा लगाते हुए नजर आ रहे हैं और समाजवादी सेकुलर मोर्चा समाजवादी पार्टी को कोसते नजर आ रहे हैं, उन पर क्या कहना चाह रहे हैं आप? देखिए, उनके बारे में, अरे तू गेट वाले लगा कब, भाई बड़े नेता हैं, उनके बारे में हमें कुछ पता नहीं, बड़े नेता है तो उनके बारे में पता नहीं और वो अपनी पार्टी के स्वतंत्र है। आपके लिए कोई सहयोग का प्रस्ताव आता है, कोई बड़ी पद मिलने का प्रस्ताव आता है तो ऐसी स्थिति में क्या? देखिए, मैंने बहुत मौका दिया, लगभग 2 साल मैंने प्रयास भी किया है, हमारे लोगों ने भी प्रयास किया है, सब ने प्रयास किया है और प्रयास करने के बाद नहीं हो पाया तो हमने अपना कदम बढ़ा दिया है, अब ये कदम हमारा अब आगे बढ़ेगा पीछे। अच्छा, एक चर्चा आपकी चल रही है, आप बीजेपी में शामिल होने जा रहे हैं। यादव, अखिलेश यादव लोकसभा चुनाव के प्रत्याशी हैं,
2019 के चुनाव में, तो क्या इनके खिलाफ भी समाजवादी सेकुलर मोर्चा अपने प्रत्याशी उतारेगा? अच्छा, एक तरफ आपकी चर्चा हो रही है भारतीय जनता पार्टी में आप शामिल होने जा रहे हैं नेताजी, एक तरफ आपकी चर्चा है बीजेपी में आप शामिल होने की बात कह रहे थे, बीजेपी में शामिल होने की आपकी चर्चा है बहुत जोरों से। देखिए, मैंने बहुत समाजवादी कभी भारतीय जनता पार्टी से समझौता हो नहीं सकता, कभी नहीं हो सकता। न तो हमारी बात रही भारतीय जनता पार्टी, न भारतीय जनता पार्टी ने हमसे बात की, तो ये बात सीधे अगर सीधे निकले सर, एक अगर ये बात कोई लोग हराने वाले, मैंने प्रयास किया था कल भी गए थे